हेलो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपके पास यदि BSNL सिम है और उसके अंदर आपका बैलेंस है तो उस बैलेंस का आप यूज़ करके आप अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, कोई भी प्लान एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले गूगल पर सर्च करना है BSNL मोबाइल सेल्फ केयर पोर्टल, ये आपको सर्च करना है। ये सर्च करने के बाद आपको ये सेकेंड साइट है जो सेल्फ केयर प्रीपेड nz.bsnl.co.in, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक स्क्रीन आएगी, उस स्क्रीन में आपको मोबाइल नंबर डालना है और गेट OTP पे क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको एक OTP मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो 544556। OTP आपको यहाँ डालने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आ चुकी हैं, जैसे कि आपका बैलेंस कितना है, आपकी वैलिडिटी आउटगोइंग बार की डेट कब तक है, आपका ग्रेस पीरियड 1 कब तक है, आपका प्लान कौन सा एक्टिवेट है, ये सब डिटेल आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको रिचार्ज के लिए सबसे ऊपर जो ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें जैसे रिचार्ज, IVR, लैंग्वेज, थर्ड पार्टी रिचार्ज, बैलेंस ट्रांसफ़र, लास्ट 5 इवेंट, कंटिन्यू या चेंज टैरिफ प्लान। तो यदि आपको प्लान एक्टिवेट करवाना है तो इसके लिए आपको चेंज कंटिन्यू चेंज टैरिफ प्लान पर क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कुछ प्लान देखेंगे, जैसे कि जो मेन जो BSNL के प्लान हैं, जैसे 186 का प्लान है एक महीने का, 429 का प्लान है, 485 का प्लान है जो 90 डेज के लिए है, और 153 का जो वैलिडिटी का प्लान है 6 मंथ के लिए। ये सारे प्लान हैं, जिससे कि मैं यहाँ पे 429 वाले प्लान को एक्टिवेट करवाना चाहता हूँ। यदि मेरे मोबाइल में 429 रुपीज़ हैं और उससे मैं ये रिचार्ज करना चाहता हूँ, तो इसलिए इसके सामने वाले ऑप्शन में जाके आपको चेंज टैरिफ क्लिक करना है। चेंज टैरिफ पे क्लिक करने के बाद ये कन्फर्मेशन मांगेगा आपसे, कन्फर्मेशन यदि आपको ओके कर देते हो, ओके करने के बाद यह आपका रिचार्ज हो जाएगा यदि आपके मोबाइल में बैलेंस है। जैसे मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है तो ये इसलिए ये मैसेज आ रहा है कि डियर कस्टमर, ऑपरेशन नॉट अलाउड ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस। तो इस तरह आप कोई भी प्लान एक्टिवेट करवा सकते हो। और इसके लिए आप, इसके अलावा यहाँ पे आप जो लास्ट 5 इवेंट्स होती हैं वो भी आप यहाँ चेक कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जो लास्ट 5 सेशंस है वो मैंने नेट यूज किया था, कोई कॉल नहीं की मैंने, उसका ये टाइम दिखा देगा कितना डाटा यूज हुआ है, और ये यहाँ पे आपकी ये लास्ट 5 इवेंट शो करेगा। ओके, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।